गुड मॉर्निंग क्लास थ्री. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर विच इज आर्टिकल ए एन एंड डी. नाउ आर्टिकल्स अपने पढ़े होंगे आपने. आर्टिकल्स क्या होता है? जब जो क्या बताते हैं आप, क्या वो चीज एक है या फिर बहुत सारी है. नाउ देखिए, यहाँ पे आर्टिकल का पहला तो कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, बट हम इसे क्यों लगाते हैं? ताकि हमें पता चल जाए कि वो चीज एक है या फिर नहीं है. जैसे हम हिंदी में एक शेर एक खरगोश बताते हैं ना, ताकि हमें पता चल जाए कि वहां पे एक शेर है या फिर झुंड है शेर का, ठीक है. तो देखिए, अब यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है. अ हेयर एंड अ टॉर्टॉइस वर गुड फ्रेंड्स. द हेयर वॉज फास्ट एज इलेक्ट्रिसिटी एंड द टॉर्टॉइस वॉज स्लो एज कैन बी. द थॉट ऑफ अ रेस नेवर केम टू देयर माइंड. नाउ यहाँ पे जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ए ए द द द एंड ए, ये क्या है हाईलाइटेड वर्ड्स? वो क्या होते हैं? आपके आर्टिकल है. अब देखिए, यहाँ पिक्चर में एक खरगोश है, तो इसलिए हमने क्या लिखा? अ हेयर. अब यहाँ पे एक क्या है? टॉर्टोइस है, तो हमने क्या लिखा? अ टॉर्टोइस. हमने यहाँ पे ए लिखा क्यों? क्योंकि अभी हमें पता नहीं है अभी कौन सा हेयर है और कौन सा टॉर्टोइस है, ठीक है. नाउ सेकेंड में हमने हेयर के आगे क्या लगाया? द, क्योंकि हमें फर्स्ट सेंटेंस में पता चल चुका है कि वो बहुत सारे हेयर में से एक हेयर है जो इस पिक्चर में है, और वो बहुत सारे टॉर्टोइस में से एक टॉर्टोइस है जो इस पिक्चर में है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया दोनों के आगे. फिर द थॉट ऑफ अ रेस. अब एक रेस कोई भी हो सकती है, ठीक है, उसमें क्या है, उन्हें एक रेस के बारे में कभी भी ख्याल नहीं आया था. ओके, तो पहले तो हम ये चीज क्लियर करते हैं. ए कब लगता है? जब कोई भी एक चीज होती है. अब एन हम कब लगाते हैं और ए कब लगाते हैं? ए तो जब हम लगाते हैं जब वहां पे कॉन्सोनेंट और क्या आती है, कॉन्सोनेंट साउंड आती है. और जब एन कब लगाते हैं? जब वहां पे वॉवल और वॉवल साउंड आती है. अब वॉवल साउंड क्या आती है? वॉवल क्या होता है? ए ई आई ओ यू या फिर ए ई आई ओ की, ए ई आई ओ यू की साउंड होती है, तब हम क्या लगाएंगे वहां पे? एन लगाएंगे. जैसे एग्जाम्पल आउल. आउल क्या होता है? ओ से शुरू होता है. ओ क्या है? वॉवल है. तो एन आउल लिखते हैं हम. क्या लिखते हैं हम? एन आउल. अब यहाँ पे क्या है? एच से शुरू है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या लिखा? अ हेयर. ओके, और दा हम क्यों लगाते हैं? दा हम लगाते हैं किसी भी चीज को बताने के लिए कि वो मतलब जैसे आपका इसमें क्या था? एक हेयर. पहले सेंटेंस में हमें बता दिया था, अब हमें वो हेयर स्पेसिफाई करना है. हम हर उस चीज की, हर किसी की चीज की बात नहीं कर रहे, हम उस हेयर की बात कर रहे हैं जो इस पिक्चर में है और जिसकी आगे रेस होने वाली है, ठीक है. अब नीचे देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड. द हाईलाइटेड वर्ड्स गिव अस मोर इम्पोर्टेंट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन्स दैट आर कनेक्टेड विद. हाईलाइटेड वर्ड क्या है? हमारी नाउन, हमें नाउन की इंफॉर्मेशन देते हैं जो आपस में क्या है? कनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट देयर इज वन हेयर एंड वन टॉर्टोइज एंड सो ऑन. हमें क्या पता चल रहा है? अ हेयर और अ टॉर्टोइज से, कि वहां पे क्या है? एक ही खरगोश है और एक ही टॉर्टोइज है. नाउ वर्ड्स दैट गिव अस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स क्या होते हैं? उन्हें क्या बोला जाता है? आर्टिकल बोला जाता है, ठीक है. जो हमारे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं. अब देखिए यहाँ पे, ए अंडरलाइन द आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट क्या है? द हेड टीचर टॉट अस अबाउट वॉल्केनोस टुडे. तो हमारे हेड टीचर ने क्या बताया? आज वॉल्केनो के बारे में बताया. तो इसमें क्या है आपका आर्टिकल? द. सेकेंड देखिए, वी हैड अ लॉट ऑफ फन बर्स्टिंग बैलून्स. ठीक है, तो इसमें क्या है आपका आर्टिकल? सिर्फ ए है. क्या है आपका? सॉरी, सिर्फ ए है. तो इसमें आपका क्या है? वी हैड अ लॉट ऑफ फन. तो इसमें सिर्फ आर्टिकल क्या है आपका? ए. नाउ थर्ड देखिए, एन ऑस्ट्रिच कांट फ्लाई बट कैन रन. तो इसमें क्या है? एन ऑस्ट्रिच. अब यहाँ पे एन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे वॉवल लगाया, मतलब ए आई ओ यू में से लगाया ना, इसलिए हमने एन लगाया.
फोर देखिए, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, तो इसमें क्या है, द है. फिफ्थ, एन एलिफेंट हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू, अब इसमें क्या है आर्टिकल, एक तो द है और एक एन है, क्या है, द है और एन है. ठीक है क्लास, नाउ आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, ए एंड एन एंड द, लेट अस नो मोर अबाउट देम, अब हम उनके बारे में और जानते हैं. ठीक है, ओके, सो ए एंड एन, वी यूज ए और एन विद सिंगुलर countable nouns, तो हम a और n कब use करते हैं, singular countable nouns के साथ. a is used with such nouns that begins with a consonant or a consonant sound, तो हम a को कब use करते हैं, consonant या फिर consonant sound के साथ, and the word even if the words begin with a vowel, अगर वहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है लेकिन अगर वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है ना, तो भी हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल अ यूनिकॉर्न, तो अब देखिए यहाँ पे वोवल आ रहा है, तो आप अब यहाँ पे वोवल आ रहा है तो आप बोलेंगे यहाँ पे एन लगना चाहिए, एन यूनिकॉर्न, पर वो वाई की साउंड निकाल रहा है, यूनिकॉर्न बोल रहा है ना, यू यू मतलब वाई, वाई से स्टार्ट होता है ना यू, तो इसलिए हमने क्या लगाया, आ, आ गूज, आ वुमेन, आ ब्रिज. ठीक है, अब देखिए एन हम कब लगाते हैं, जब हम वोवल या फिर वोवल साउंड उसमें आती है, अगर अगर आपका जो वर्ड है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा लेकिन उसमें वोवल साउंड आएगी, तो भी हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे. अब एग्जांपल देखिए, एन आर, तो इसमें एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, पर इसमें साउंड किसकी आ रही है, आर मतलब ओ की साउंड आ रही है, तो इसलिए हमने क्या लगाया, एन लगाया. एन एप्रिकोट, ए से स्टार्ट हो रहा है, एन एग, ए से स्टार्ट हो रहा है, एन आउल, ओ से स्टार्ट हो रहा है, राइट, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, एन लगाया. अब देखिए इसमें क्या लिखा है, री राइट द सेंटेंसेस आफ्टर इंसर्टिंग ए और एन wherever require. Now हमें इसमें a और n लगाना है जहां पे भी इसकी requirement है. तो अब देखिए, we will go for dash picnic soon. We will go for a picnic soon. ठीक है, तो क्या आएगा, for a picnic soon. तो आपको ये पूरा sentence यहाँ पे लिखना है. Now second, Eskimo lives in igloo. So हम क्या लिखेंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन एस्किमो लिव्स इन एन इग्लू. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन एस्किमो लिव्स इन एन इग्लू. यहाँ पे पूरा आपको सेंटेंस दोबारा लिखना है. ठीक है, एस्किमो के आगे एन लग जाएगा और इग्लू के आगे एन लग जाएगा. लिव्स इन एन इग्लू, ओके. नाउ थर्ड देखिए, एंकर इज यूज टू स्टॉप द शिप फ्रॉम सेलिंग, तो इसमें क्या आएगा, एन एंकर इज यूज टू स्टॉप द शिप फ्रॉम सेलिंग द. ठीक है, तो इसमें एन क्या है, एंकर क्या होता है, पहले तो एंकर एक तरह का एक लोहा टाइप होता है कुछ, जो आप जब शिप को आप कहाँ पे पोर्ट पे लगाते हो ना, शिप आपका जहाज होता है, जब आप उसे किनारे पे लाते हो तो आप एंकर होता है उसमें एक, उसको कहाँ डालते हो, पानी में डालते हो ताकि जहाज वहीं पर रुका रहे. तो हम क्या लिखेंगे, एन एंकर इज यूज टू स्टॉप द शिप फ्रॉम सेलिंग. ठीक है, नाउ फोर देखिए, लॉज इज वेयर पीपल स्टे व्हेन अवे फ्रॉम होम. ओके, हम क्या लिखेंगे, अ लॉज इज वेयर पीपल स्टे व्हेन अवे फ्रॉम होम. ओके, ठीक है, ये लिखेंगे आप, तो इसमें हम ए लगा देंगे यहाँ पे. नाउ फिफ्थ देखिए, वेल एयर्ड रूम इज गुड फॉर हेल्थ, तो अ वेल एयर्ड रूम इज गुड फॉर हेल्थ. ठीक है, क्या आएगा, अ वेल एयर्ड रूम इज गुड फॉर, तो हम इसमें ए यहाँ पे लगा देंगे. नाउ आपको ये सारे सेंटेंस यहाँ पे लिखने हैं. नाउ नीचे देखें, द
The is used in the following cases. When we talk about a particular person, place, animal and thing. तो जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल थिंग की बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे द जैसे कि द वॉचमैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द बिल्डिंग तो जो वो जो हमारी बिल्डिंग का वॉचमैन है ना वो क्या है रेस्पॉन्सिबल है हमारी सेफ्टी के लिए और हमारी किसकी सेफ्टी के लिए हमारी बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए तो अब अगर हम यहाँ अ वॉचमैन लिखते ना तो मतलब कोई भी वॉचमैन अब कोई भी वॉचमैन हमारी बिल्डिंग की सेफ्टी क्यों करेगा जो वॉचमैन हमने लगा रखा है वही तो सेफ्टी करेगा ना तो इसलिए हम क्या यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं जो हमारी बिल्डिंग का चौकीदार है वो हमारी बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल होगा ठीक है नाउ देखिए सेकंड देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर वन ऑफ अ काइंड तो जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं जो किसके बारे में है जो एक तरह की है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन तो अर्थ क्या होती है आपके सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और ये कभी बदल नहीं सकता अर्थ ही सर के अराउंड रिवॉल्व करेगी कभी भी सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता इसलिए क्या है यहाँ पे हमने दा यूज करा है वे और थर्ड क्या है इसमें देखिए व्हेन वी रेफर टू द प्रॉपर नेम्स ऑफ मॉन्यूमेंट सी एंड द शिप तो जब भी हम किसी भी मॉन्यूमेंट जैसे कि ताजमहल लाल किला ठीक है या फिर किसी समुद्र या फिर किसी ओशन के बारे में हम करते हैं बात तो हम क्या लगाते हैं दा लगाते हैं जैसे कि द इंडियन ओशियन टचेस द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया नाउ तो यहाँ पे ओशियन क्या है द इंडियन ओशियन है ना इंडियन है तो हमने क्या लगाया द इंडियन ओशियन टचेस द सदर्न टिप ऑफ इंडिया ठीक है इसलिए हमने यहाँ पे दा लगाया Now come to exercise C. तो यहाँ पे क्या लिखा है Circle the correct article in the following sentences. Now first क्या है I had dash surprise party at my home. तो इसमें आएगा I had a surprise party at my house. तो इसमें क्या आएगा आएगा मतलब surprise party तो एक ही है ना इसलिए हमने क्या लगाया सरप्राइज पार्टी तो अब देखिए यहाँ सेकंड क्या है आई लाइक लिसनिंग टू द साउंड ऑफ डैश बर्ड्स इन द जंगल तो आई लाइक लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ द बर्ड्स इन द जंगल तो जो बर्ड्स जंगल में रहती हैं उनकी साउंड मैं सुनना पसंद करता हूँ नाउ थर्ड देखिए डैश न्यू ड्रेस माई मदर ब्रॉट मी इज ब्लू इन कलर तो जो ड्रेस मेरी मदर लाई थी ना वो क्या है ब्लू है कलर में ठीक है तो जो मेरी मम्मी लाई थी ड्रेस तो वो अ और एन तो हो नहीं सकती वो एक पर्टिकुलर ड्रेस होगी ना और पर्टिकुलर के लिए हम क्या लगाते हैं दा लगाते हैं ठीक है नाउ फोर देखिए डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे तो हम क्या लगाएंगे एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे अब हमें यहाँ किसी पर्टिकुलर एप्पल के बारे में बात तो कर नहीं रहा हमें क्या बोला जा रहा है कि एक एप्पल आपके अगर आप खाएंगे तो आपको वो डॉक्टर से दूर रखेगा तो इसमें क्या आएगा एन एप्पल ठीक है और हमने एन क्यों लगाया ए क्यों नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है वॉवल आ रहा है और वॉवल साउंड आ रही है ठीक है क्लास नाउ देखिए डू रिमेम्बर दैट आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूस नाउन तो आर्टिकल्स क्या है जो वर्ड्स क्या है इंट्रोड्यूस करते हैं नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं नाउ सेकंड देखिए A is used before words that begins with consonant and consonant sound. तो जो consonant और consonant sound से begin होता है वो हम उसके लिए हम A use करते हैं और जो vowel और vowel sound से शुरू होता है हम उसके लिए N use करते हैं. Da is used to denote a particular person, place and animal and thing. और कोई भी हम particular चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं या तो person हो place हो या animal thing तो हम उसके लिए द यूज करते हैं